बिजली निगम कर्मचारियों ने किया रोष प्रदर्शन। हिसार के साथ रोड सब डिवीजन में 5 कर्मचारियों को सस्पेंड करने पर जताया रोष। निगम अधिकारियों पर लगाया मानहानि करने का आरोप। कर्मचारियों की मांग है कि सस्पेंड किए गए कर्मचारियों को शीघ्र ही बहाल किया जाए। आप देख रहे हैं पल पल से सुरेंद्र भाटिया के साथ अमर सिंह की ये रिपोर्ट। हिसार के 7 रोड सब डिवीजन में बिजली निगम के 5 कर्मचारियों को सस्पेंड करने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पिछले 7 दिनों में हिसार के डिवीजन में कर्मचारियों द्वारा रोष जताया जा रहा है। आज इसी कड़ी में सिरसा के बिजली निगम कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने रोष प्रकट किया और निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने निगम अधिकारियों को मनमानी करने का आरोप लगाया और सस्पेंड किए गए कर्मचारियों को शीघ्र बहाल करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि समय रहते अगर इसी मांग को नहीं पूरा किया गया तो यह आंदोलन प्रदेश भर में शुरू हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी निगम व सरकार की होगी। एक विजेंद्र लांबा जो वहाँ डिवीजन नंबर 2 का एक्शन है और उन्होंने उच्च अधिकारियों को गुमराह करके गलत करके उन पर FIR दर्ज करवा दी और गलत आरोप लगाकर उनको हमारे संगठन के 5 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, जिसके रोष स्वरूप ये आज 15 दिन से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन मैनेजमेंट की कान पर जूंग निरेंग रही है और वह ना बातचीत के लिए नहीं बुला रही है। हमारी ये मांग ये है कि जो हमारे 5 पदाधिकारी सस्पेंड करे, गलत आरोप लगा के सस्पेंड करे गए, उनको बहाल किया जाए। जब तक वो बहाल नहीं हो जाते तब तक ये संघर्ष इस तरह जारी रहेगा और आगामी केंद्रीय परिषद जो भी आदेश आएंगे सिरसा का हर कर्मचारी उस पर फूल चढ़ाएगा। और ये धरना अब 7 रोड सब डिवीजन का रह होकर अब ये पूरे हिसार जोन में फैल चुका है। अगर फिर भी मैनेजमेंट अगर बात नहीं करती है, मसले को सुलझाती नहीं है, तो ये पूरे हरियाणा लेवल का मसला बन जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निगम अधिकारियों की होगी, मैनेजमेंट की होगी, हरियाणा सरकार की होगी।